हेलो गाइस, शाह सर कंप्यूटर एजुकेशन चैनल में एक बार पुनः स्वागत। आज हम कोरल ड्रा 12 के बारे में जानेंगे। कोरल ड्रा 12 जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर ओपन है, इसमें आज टूल बार के बारे में जानना है, जैसा कि टूल कोरल ड्रा में आपको दिखाए जा रहे हैं। कोरल ड्रा 12 में आज टूल के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। इस तरीके से मैंने कोरल ड्रा टूल में एक रेक्टेंगल टूल ले लिया, उसमें कलर थोड़ा सा फिल कर दिया है। देखिए रेक्टेंगल टूल मैंने ले लिया है, रेक्टेंगल टूल, और देखिए पिक टूल को मैंने सिलेक्ट करके इसको मूव करते हैं। पिक टूल का कार्य होता है जो एरो जैसा आपको दिख रहा है, इससे हम किसी भी शेप्स को मूव करते हैं किसी भी तरफ, जैसा कि पिक टूल, ठीक है, इस तरीके से मूव करा सकते हैं जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए शेप टूल है जिसकी शॉर्टकट की F10 दिखाई जा रही है, F10, ठीक है, शॉर्टकट F10 होता है शेप टूल। शेप टूल का कार्य क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल टूल को किसी अन्य एंगल में घुमा सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसको राउंड कर सकते हैं। आप पिक टूल से देखिए शेप्स की आकृति मेरी चेंज हो चुकी है, ये शेप टूल के माध्यम से होता है। इस तरीके से एलिप्स टूल में एक ले लेता हूँ और उसमें कोई कलर डाल देता हूँ। कलर डालने के बाद फिर से शेप टूल का प्रयोग करते हैं। अभी देखिए पाई, ठीक है, अगर हमें पाई बनाना, देखिए एक पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट से इन साइड को अगर इसको ड्रैग करते हैं तो ये पाई के रूप में आपका जो एलिप्स है वो पाई के रूप में चेंज हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आउट साइड में करोगे तो आर्ट के रूप में, ठीक है, आर्ट आर्ट में चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आर्ट में, और इन साइड को करोगे, अभी देखिए आर्ट लिखा हुआ, इसको हम बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे तो आर्ट में चेंज हो जाएगा, कलर हट जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम इन साइड करेंगे तो देखिए पाई में हो रहा है, पाई में आप कर पाएंगे, ठीक है, पाई में। इलिप्स से आर्ट बना सकते हो, पाई बना सकते हो। इलिप्स में क्या करेंगे, इसको पूरा सा फिर से राउंड करके जोड़ देंगे एक में, ये इलिप्स में हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद नाइफ टूल आता है, ठीक है, नाइफ टूल से क्या, नाइफ का मतलब आप लोग समझते हैं चाकू, जैसे हमें कोई भी शेप्स काटना है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिला देंगे नाइफ के माध्यम से, और फिर पिक टूल से उसको मूव करेंगे। देखिए अलग अलग दो पार्ट हो गए, मेरा इलिप्स टूल कट चुका है नाइफ टूल के माध्यम से। नाइफ टूल का मतलब होता है काटना, ठीक है। फिर से हम चेक करेंगे, उसी नाइफ टूल के जस्ट बगल जो होता है इरेजर टूल होता है, इरेजर टूल, किसी भी शेप्स में कुछ भी पार्ट अगर हमें इरेज करना है तो इरेजर टूल का प्रयोग करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक एंगल से दूसरे एंगल को मिलान करते हैं और वो इरेज हो रहा है। उसके बाद फिर जो हमारा होता है अगला टूल है स्मज ब्रश, स्मज ब्रश टूल। ये क्या करता है, किसी भी शेप्स के कलर को अगर हम आउटसाइड को मूव करेंगे तो ये आउटसाइड को होगा, इनसाइड करेंगे तो इनसाइड को मूव हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, ये होता है स्मज टूल। उसके बाद मैं चलता हूँ रोगन ब्रश टूल। रोगन ब्रश टूल क्या होता है, शेप्स के आउटलाइन जो हमारी होती है उसको अगर हमें दांतेदार बनाना है तो, ठीक है, तब इस टूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रोगन ब्रश टूल देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दांतेदार आउटलाइन बनाने के लिए रोगन ब्रश टूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, आप लोग भी ज़रूर करना। वीडियो पे आप लोग बने रहिए, प्लीज़ स्किप मत करना वीडियो को। उसके बाद फ्री हैंड टूल आता है, इसके माध्यम से हम अपने किसी भी शेप्स को मुख्य बिंदु से उसको मूव करा सकते हैं, मतलब रोटेट करा सकते हैं, मतलब घुमा सकते हैं, ठीक है, फ्री हैंड टूल। उसके बाद वर्चुअल सिगमेंट डिलीट टूल जो होता है, किसी भी शेप्स को अगर हमें डिलीट करना है, ठीक है, तो वर्चुअल सिगमेंट टूल से उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं, वर्चुअल सिगमेंट डिलीट टूल। उसके बाद यहाँ से जूम टूल आएगा, जूम टूल, ठीक है। पहले एक मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, ठीक है, ड्रा कर लिया मैंने एक रेक्टेंगल, उसमें कोई एक फिल कलर डाल देता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, जूम टूल का प्रयोग, किसी भी रेक्टेंगल को जूम करके देखने के लिए जूम टूल का प्रयोग किया जाता है, किसी भी रेक्टेंगल को जूम करने के लिए, ठीक है, जूम आउट, जूम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हैंड टूल, अपने पेज को मूव कर करके देखने के लिए हैंड टूल का प्रयोग करेंगे, जिसमें हैंड का निशान आ रहा है, ठीक है, हैंड टूल, फ्री हैंड टूल, फ्री हैंड टूल से कोई भी हम लाइन को ड्रा कर पाएंगे आसानी से फ्री हैंड टूल के माध्यम से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद विजायर टूल का प्रयोग क्या होता है, इससे हम लोग जलता हुआ दीपक, वृक्ष के पत्ते, ऐसे कुछ डिजाइन अगर बनाना है तो आप बहुत आसानी से विजायर टूल के माध्यम से बना सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ कोई वृक्ष का पत्ता, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में दिखाया जा रहा है वृक्ष के पत्ते, ठीक है, इस तरीके से बन गया है और इसको मैं कलर करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से विजायर टूल के माध्यम से आप आसानी से बना सकते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पे जो सीखेंगे वो होगा मेरा आर्ट स्टिक मीडिया ब्रश टूल। आर्ट स्टिक मीडिया ब्रश टूल से क्या होता है यहाँ पे हमें देखना होगा। आर्ट स्टिक मीडिया ब्रश टूल, इससे जैसे यहाँ पे कोई पोस्टर बैनर या और भी कार्ड बना रहे हैं उसमें वॉल्यूम्स वगैरह की ज़रूरत पड़े तो हम लोग आर्ट स्टिक मीडिया ब्रश टूल का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी एरो लेना है तो एरो भी आर्ट स्टिक मीडिया ब्रश टूल के माध्यम से बन जाएगा। इसमें देखिए और बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे आर्ट स्टिक मीडिया ब्रश टूल के अंतर्गत। आप देखेंगे स्टैंड प्रॉपर्टी बार में जा करके आप अपने अकॉर्डिंग एक एक करके चेक करना, प्रैक्टिकल जरूर करना, उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आर्ट स्टिक मीडिया ब्रश टूल का प्रयोग करके देखेंगे आप लोग। उसके बाद पेन टूल से यहाँ पे सेम ये भी विजायर टूल जैसा कार्य करता है, पेन टूल से कोई भी लाइन आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि सेव टूल से मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, सेव टूल पे क्लिक किया, कन्वर्ट टू कर्व लाइन पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा मूव कर ले ड्रैग करते हैं, उसके बाद ऑटो क्लोज कर देते हैं। ऑटो क्लोज के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे, एक फिर से वही जलता हुआ दीपक बना देता हूँ। ठीक, कोई एक डिज़ाइन हम डायरेक्टली बना के आपको दिखा रहे हैं पेन टूल के माध्यम से, जैसे कि मैंने एक कली बना लिया है, एक कली मेरी बन गई। अब इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके डुप्लीकेट कर देता हूँ, कंट्रोल डी। ठीक है, उसके बाद फिर हमें करना क्या होगा, कंट्रोल आर प्रेस करते हुए देखिए इसकी कॉपियाँ हम बना लेते हैं। कंट्रोल आर प्रेस करते हुए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंट्रोल आर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ से मैंने इसकी बहुत सारी कॉपी बना लिया। अभी सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार में, और कोई कलर यहाँ पे अगर हमें चेंज करना है तो चेंज करेंगे। उसके बाद कंट्रोल एल करते हुए देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन हमारी बन चुकी है पेन टूल के माध्यम से, और सेव टूल का सहारा लेकर के ये बनाई गई है। ठीक है, सेव टूल और पेन टूल की मदद, पेन टूल और सेव टूल की मदद से बनाई गई पॉलीगन लाइन टूल, ये भी आपकी लाइन ड्रा करने के लिए होती है, पॉली लाइन टूल होता है। ठीक है, उसके बाद फिर है थ्री पॉइंट कर्व टूल, इससे हम कोई भी लाइन कर्व में ड्रा कर सकते हैं। एक बार शीशे से ड्रैग करेंगे और फिर लेफ्ट की राइट, लेफ्ट या राइट की तरफ उसे मूव करेंगे, हमारी कर्व लाइन बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल क्या होता है, ये दो शेप्सों को आपस में जोड़ता है, इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल। ठीक है, इसको ध्यान देना, हम इन सभी को हटा देते हैं, पहले कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सभी को हटा देते हैं, उसके बाद दो शेप्स यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। प्लीज वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए तो कृपया दोबारा देखने का कष्ट करें, ज़रूर समझ में आएगी। आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट अच्छा लगता है देखने में। जैसा कि इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल में दो शेप्सों को आपस में जोड़ते हैं, देखिए अभी इसको हम पुनः जोड़ करके आपको दिखा रहे हैं। इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल से दो शेप्सों को आपस में ज्वाइन किया जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद डिमिनेशन टूल होता है, डिमिनेशन टूल, ठीक है, वो भी आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल को पुनः हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल को फिर से देखिए, उसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, क्लिक किया फर्स्ट स्टेप्स पे और सेकेंड पे ला करके उसको मिलान किया। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, देखो इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल में ये मेरा जुड़ चुका है। ठीक है, इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल के माध्यम से इसको हम जोड़ सकते हैं। एक शेप्स मेरा जुड़ गया है लेकिन दूसरा देखिए ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, इसको हम पुनः फिर से कोशिश करेंगे, फिर से ज्वाइन करते हैं। कंट्रोल की दबा करके हम इसको ज्वाइन करेंगे, कंट्रोल की को प्रेस रखेंगे और इसको ज्वाइन कर देते हैं। अब देखिए दोनों शेप्स को अलग अलग मूव करते हैं। ठीक है, पिक टूल पे जाएंगे, शेप्स देखिए मेरे जुड़ गए हैं। ठीक है, लाइन मेरी जुड़ गई है, फर्स्ट वाली लाइन जो मैंने जोड़ा था। कंट्रोल की को प्रेस कर रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट शेप से सेकेंड शेप्स की तरफ इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल का प्रयोग करेंगे तो वो आपस में दोनों शेप्स जुड़ जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को